हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ सभी अच्छे हो, स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैं भी ठीक हूँ। आपके अपने चैनल में स्वागत है गाइस, सभी का, मेरी यूट्यूब फैमिली का। और क्या कहते हैं, राम राम जी, राधे राधे, सभी को प्रणाम मेरा, बहुत सारा प्यार छोटे बच्चों को। और गाइस क्या है ना, 2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो ब्लॉग वगैरह कुछ नहीं बना पाई हूँ मैं। तो अभी ठीक हूँ, थोड़ा आराम है। तो बस चलिए, काम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। चलिए बने रहिए मेरे साथ पूरे ब्लॉग में। देखिए दोस्तों, मैं आ गई थी ऊपर खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, मैं पहले आके ऊपर झाड़ू वगैरह लगा रही थी चूल्हे पर, चूल्हे के यहाँ पर सारी जगह को साफ़ कर लेती हूँ पहले, फिर झाड़ू लगा के फिर खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। यहाँ पर मैं झाड़ू लगा के, क्या रात का डला हुआ है जी, तो अभी इसको बिछा के सारे सामान को, यहाँ बैठने के लिए बच्चों के लिए। तो ये देखिए इधर, तो आज संडे था तो वैसे भी लाइट नहीं आनी थी, और वैसे भी रहती नहीं है, वैसे भी लाइट ना चली जाती है तो आती है, वैसे 10-11 बजे से पहले नहीं आती, ताकि क्यों मैं वो नीचे का वेट करूँ, लेट हो जाता है उस लाइट के चक्कर में। तो देखिए दोस्तों, मैंने जला लिया आग इधर, तो सब्जियाँ काट लूँगी। तो सब्जी का पहले मैंने कढ़ाई में लेप लगाया, ताकि ये काली ना होती है, साफ़ हो जाती है, मिट्टी छूट जाती है। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने रख दी कढ़ाई, तब तक मैं तेल डाल दिया। तो ये देखिए इधर मैंने क्या है ना, इधर तेल डाल दिया था, तो उसके बाद में मैंने इधर सब्जी वगैरह तोड़ी काट ली थी, कुछ और काटने के लिए मैंने इधर मतलब काट ली थी थोड़ी बहुत। देखिए मटर वगैरह सब छील लिया था, इधर आलू वगैरह, अरे मैंने प्याज है, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन वगैरह सब कुछ काट ली। देखिए कढ़ाई भी करने का लाई, काली सी पड़ गई थी साइड से, क्या पतली है जी कढ़ाई, तो काली सी हो जाती है थोड़ी सी आँच ज़्यादा लगने से। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने तेल डाल के, जीरा डाल के ये डाल दी मैंने, हरी मिर्च, प्याज वगैरह, और इसमें डाल दी मटर और आलू। दोस्तों इधर देखिए, इसमें डाल दिया मैंने नमक, क्या नमक मैं उस तैली में से डालती हूँ तो ज़्यादा गिर सकता है, इसीलिए मैं उस पर डाल लिया, मैंने थाली पे नमक ले लिया, उसमें डाल दिया। फिर देखिए अच्छे से सब्जी भुंज गई थी एकदम, तो इसमें डाल दिए मैंने सारे मसाले। दोस्तों इस लोहे की कढ़ाई का ना एक बात है, लेकिन बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है लोहे की कढ़ाई में। ज़्यादातर ऐसे हमारे यहाँ तो सभी लोहे की कढ़ाई में ही यूज़ करते हैं, लेकिन अपने घर में जैसे एलुमिनियम की है, लोहे की है, तो कुछ कौन सी भी चला लेते हैं। अब 2-3 कढ़ाई हैं तो उनमें वो भी यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि वो फिर क्या होगा उनका रखे रखे, तो सभी कढ़ाइयों से काम निकाले। तो मैं तो एलुमिनियम की सबसे ज़्यादा चलाती हूँ। वो ये देखिए इधर मैंने सब्जी अच्छे से भून ली थी दोस्तों, क्या है ना सब्जी अच्छे से भूंजे, पानी डाल डाल के मैंने मसाले को भूंज लूँगी, ताकि वो अपने आप तेल छोड़ जाए। तो ये देखिए मेरी सब्जी अच्छे से भूनने के बाद में मैंने इसमें डाल दिया पानी गैस। ये देखिए इधर, तो यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया था, तो बस सब्जी छोड़ दी मैंने खदकने के लिए। तो धनिया टमाटर वगैरह काट के, टमाटर आलू हो गए थे एकदम भूजते भूजते, तो मतलब मैंने उसमें टमाटर डाल दिए, तो अब जी धनिया वगैरह काट लूँगी साथ के साथ ही। तो बस सब्जी मेरी बन के रेडी है दोस्तों इधर यहाँ पर। तो ये देखिए मैं आटा वगैरह लगा लूँगी यहाँ पर दोस्तों, क्या है ना मेरी सब्जी हो रही थी इधर, सारे धनिया वगैरह सब डाल दिया, बस आटा लगा लूँगी जल्दी से। वैसे भी देखिए इधर आज ना बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था, ऊपर ज़्यादा इतनी ठंड नहीं थी, मतलब तो धूप सी हो रही थी तो अच्छा लग रहा था। तो मैं इधर आटा लगा लूँगी, छान लूँगी यहाँ पर। तो ऊपर तो क्या है ना, आज सवेरे ही जल्दी से धूप निकल आई थी, एकदम अच्छा सा मौसम हो गया था। इस वक्त मैं जो रोटियाँ बना रही थी तो 9 बज रहे थे, बस संडे था तो बस मैं आराम से ही कर रही थी, ताकि बस बना लूँ। लाइट भी आज इतना परेशान किया कि लाइट तो आई ही नहीं है, मतलब आने वाली भी नहीं थी आज संडे था। तो ये देखिए आटे को मैं अच्छे से गूंथ लेती हूँ, क्या थोड़ा सा टाइट उठाऊँगी, टाइट लगाऊँगी, तो उसके बाद मैं उसमें पानी डाल के अच्छे से घुम्मी लगा के आटे को कर लूँगी तैयार रोटियों के लिए। तो देखिए मैंने आटा रख दिया इधर, तो मैंने सब्जी वगैरह जल्दी से भगोनी में कर ली, कढ़ाई वगैरह उधर रख आई थी मैं। तो दोस्तों देखिए इधर मैंने रख लिया तवा जल्दी से, जल्दी जल्दी क्या, जल्दी कितना भी जल्दी करो तो लेट तो हो जाता है, ये खाना बना रही थी। अब मैंने रख दिया सॉल एक साइड उतार के, तो इधर मैं जल्दी से रोटी सेक लूँगी,
तो शॉल क्या है ना उड़ी रहती है, तो काम भी नहीं होते मेरे जल्दी जल्दी, क्योंकि उनको संभालूँ या रोटियां मतलब काम करूँ। तो दोस्तों मेरा इतना मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, कम से कम लाइक और सब्सक्राइब तो कर दिया करो दोस्तों। आप लोगों का मुझे क्या है ना सपोर्ट है, सपोर्ट होगा तभी तो मैं आगे जाऊँगी गाइस। तो ये देखिए इधर बना रही हूँ रोटी, बननी एकदम क्या है ना चूल्हे का खाना तो अलग ही बात होता है, गैस पे बना लो या सिगड़ी पे वो बात नहीं रहती, लेकिन चूल्हा चूल्हा ही होता है। चूल्हे की लकड़ियों से खाना बना हुआ, कंडा लकड़ियों से बहुत ही अच्छा, मतलब ओपले होते हैं ना उनसे, गोबर के ओपले और लकड़ी, और हमारे यहाँ कंडे बोलते हैं गाइस, आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर बताएं। और ये देखिए मेरी रोटियाँ फटाफट से सेक रही हैं, आग अच्छी चल रही थी तो बस इधर मैंने, आप सोच रहे होंगे दीदी इधर कहीं जहाँ कहीं वहाँ चूल्हे को रखते हो, तो मैं क्या है ना इधर ना यहाँ हवा नहीं लगती चारों, मतलब इधर से भी उठे और पीछे से भी और इधर से मतलब बगली से दोनों तरफ से, तो बिल्कुल भी हवा नहीं लगती, कोने में रखा हुआ है चूल्हा। तो ये देखिए इधर मैं गई थी कौन मतलब उधर कोई आ गया था गेट पर इसीलिए, तो बच्चे क्या नीचे लगे हुए थे खेलने में अपने दोनों बहन भाई, तो बस ये देखिए इधर मैं देख रही थी गेट पर कौन आया है। तो ये देखिए इधर मेरी रोटियां सारी सिक गई हैं गेहूं की, तो उसके बाद में मैंने सोची चलो दो चार रोटी मैं बाहरी की बना लेती हूँ। 2-3 दिन से मेरे इतना दर्द हो रहा है सीने में बहुत ज़्यादा गैस, क्या क्या बता, फिर मैंने दवाई लेके आई और तब जाके कहीं आराम मिला है मुझे। क्या है मेरी सर्दियाँ आती हैं तो वो पैर पैरों में कहीं सीने में बहुत ज़्यादा, पसेरियों में बहुत दर्द होता है सद से पता नहीं क्यों। तो गैस क्या ना तबीयत ख़राब हो या ना हो काम थोड़ा आराम मिल जाता है, काम तो करने ही है, काम भी डले रहते हैं तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है कि सारे काम डले रहें तो फिर दिमाग अच्छा नहीं लगता है ना, घर में काम पड़ ले डरे रहे, हम अपन लोग आराम करें कोई आ जाए तो अच्छा भी नहीं लगता, ये नहीं देखता किसी को कि तबीयत ख़राब होगी इसीलिए डले हुए हैं, वरना किसी को अच्छा नहीं लगता अपना घर में काम फैले रहे आराम करें, यानी एकदम सर से ऊपर हो जाती है तब ये सब बातें होती हैं गैस। तो ये देखिए इधर मैंने रोटी वगैरह बन गई थी, उसके बाद में मैंने फिर से जो चूल्हे को दोबारा से झाड़ू लगा के रखा था इधर, क्योंकि शाम को भी मुझे इधर ही करना था, तो मैं क्या शाम को क्या मैं तो खाना बनाने के बाद इसको साफ़ कर देती हूँ यहाँ पर गैस। तो कह रही थी मैं क्या है ना तबीयत अब मुझे थोड़ा आराम है आज, तो आज मैंने वीडियो शूट कर लिया, लेकिन 2 दिन से मेरा वीडियो नहीं गया गैस। तो ये देखिए इधर तो मैं इधर तो अभी मुझे आराम हो गया, तो आज मैंने आज ही वीडियो बनाया था। तो ये देखिए मेरी मतलब चूल्हे को पोत दूंगी, पोत के ना इतना अच्छा लगता है इसको, एकदम सुंदर सा दिखने लगता है चूल्हा एकदम अच्छा, इस करी से पोत देते हैं एकदम अच्छा सा वाइट वाइट सा एकदम अच्छा लगने लगता है गैस। चूल्हे कहते हैं ना चौका चूल्हे को एकदम साफ़ सुथरा रखते तो अच्छा लगता है, तो मैं तो हमेशा चूल्हे पे खाना बनाती हूँ तो उसके बाद मैं झाड़ू लगा के उसको पोत देती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग तो गांव के लोग गांव के हैं दोस्तों, तो सुविधा ये सब आता है हमें। तो ये देखिए मेरी कढ़ाई काली हो गई थी तो मैं इसको साथ के साथ ही छुटा दूँगी यहाँ पर मांज लूँगी, क्योंकि मैं नीचे काले बर्तन ले जाती नहीं हूँ, नीचे जाऊँ या यहाँ भी रखूँगी तो इसको साफ़ करके ही रखूँगी, कौन सी भी कढ़ाई हो तो मैं साफ़ करके ही रखती हूँ। इधर खाली प्लॉट है पीछे तो उसमें गैस हम फेंक देते हैं पानी वगैरह बस, और इधर मैं मांज लूँगी तो इधर ये नीचे नीचे दिख रहा है ना बाथरूम की जगह है ऊपर, तो इसमें मैं पानी मतलब उसमें पाइप लगा हुआ है पानी के लिए, तो सारा पानी उधर ही जाएगा मेरा, तो बर्तन साफ़ कर लूँगी। तो इधर मैंने सारे बर्तनों में लगा लिया जूना, साबुन लगा लिया मतलब जूना ही कहते हैं हम तो, जूना लगा लिए सारे बर्तनों में साबुन का जूना। तो ये देखिए मैं सारे बर्तन धो लूँगी दोस्तों इधर, तो ये देखिए मैं ये बाल्टी नीचे से भर के लाई थी पीते किचन में भरती हूँ वो वाली, तो एक बार में ले आई थी, बार बार नहीं लाना होता है मुझे फिर पानी, बच्चों से कौन कई बार बार वो अपने खेलने में बिजी हो जाते हैं, तो दोस्तों एक बार में ही मैं ले आती हूँ तो सारे काम निपट जाते हैं उसमें से। देखिए मेरी कढ़ाई साफ़ हो गई, सारे बर्तन साफ़ हो गए, इस बाल्टी को भी साफ़ कर लूँगी। तो बस दोस्तों ये देखिए पूरा किचन अकेले क्लीन कर लिया मैंने, किचन और कमरे सारा गैलरी वगैरह सब कुछ। और ये देखिए दोस्तों इधर रख दिया ये सोफा हम लोगों ने, अब इधर से सामने से इधर साइड में तो यहाँ पर ये रख देते हैं, इस पे जगह हो गई है काफ़ी। तो ये देखिए दोस्तों
मैं आ गई थी नहा धो के ऊपर, कपड़े फैला दिए, आज बहुत सारे कपड़े धोए थे मैंने। ये देखिए आप लोग देख सकते हो, इधर वाली अरगनी भी भर गई थी, ये पूरी चदरा वगैरह धोए थे मैंने। ये देखिए इधर हवा चल रही थी बहुत तेज, तो मैं कपड़े फैलाते फैलाते इतना मतलब ठंड लग पा रही थी मुझे बहुत ज़्यादा, कि लाइट नहीं थी तो लेट ही धोए थे ये कपड़े, कम से कम 2 बज गए थे, 2:30 हो गया दोस्तों, 2:30 बज गया था। तो ये दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। क्या है, बहुत देर हो गई थी, आज संडे था, और क्या कहते हैं अभी लाइट आई थी थोड़ी देर पहले, तो अभी नहाए हैं कपड़े वगैरह धोए, तो इसी में देर हो जाती है, सर्दियों के दिन हाल चले जाते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।